यार मम्मी फिर से अभी मार्केट में, मैं कह रहा हूँ ना गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मजे में हो, बढ़िया हो। कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? तो आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक ठाक हो, अच्छे हो। अच्छा हुआ मैंने टाइम पे चालू कर दिया, नहीं तो आंटी अभी कपड़े लगा देंगी तो अंधेरा हो जाएगा पूरा। हाँ ना आंटी टाइम पे नहीं तो ये लाइट्स वाइट्स नहीं आती है। तो आज नाश्ते में मैंने कोकी और चाय बनाए, थोड़ा सा नाश्ता। अब कोकी देखो मैंने कहा था ना अंधेरा हो गया, अभी हो गया। तो कोकी कैसे एक्सप्लेन करूँ? कोकी एक सिंधी डिश है जिसके अंदर वेजिटेबल्स रहती है ना, पराठा, मिक्स पराठा बोल सकते हो आप लोग यार। लेकिन ये थोड़ा सा साइड से टूटा हुआ रहता ही है। हाँ टूटा हुआ थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन आप लोग कभी उल्लास नगर आओगे ना मैं आप लोगों को खिला लूँगा, बता दूंगा कैसे रहता है, एकदम बहुत मस्त रहता है। और उसके साथ चाय या दही के साथ आप खा सकते हो। गाइस नाश्ता वाश्ता हो चुका है और मेन ये है कि अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में। बैड न्यूज़ ये है कि हॉस्पिटल में मम्मी का चेकअप है, बिकॉज़ मम्मी को किडनी स्टोन हुआ है, थोड़ा सा उसका पेन है आज बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मम्मी को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। और आज सुबह में मम्मी अर्ली मॉर्निंग निकल गई थी चेकअप वेकअप करवाने के लिए, तो अभी उनको सिर्फ पिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ से थोड़ा दूरी पर है पर चले, चलो चलते हैं यार। पास हॉस्पिटल में, बट एक मम्मी की सोनोग्राफी हो चुकी है और एक और डॉक्टर ने बोली सोनोग्राफी करने के लिए। देखें सब चीज़ें अच्छे से हो जाए, होप फॉर द बेस्ट। अब पता नहीं डॉक्टर ने क्या ही बोला है, लेकिन पेन तो है, काफ़ी ज़्यादा पेन है मम्मी को। हो जाए यार अच्छे से हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखो बैक टू नॉर्मल, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ गर्ल्स वर्ल्स हैं जो यूनिफॉर्म में एक दूसरे के साथ मस्ती हस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लड़के हैं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। गाइस हो गया चेकअप फाइनली, डॉक्टर ने बोला कुछ ज़्यादा सीरियस है नहीं, रिपोर्ट्स आ जाएगी शाम तक। और मम्मी देख रहे हो इधर ले रही है सामान, अभी जस्ट डॉक्टर से बाहर आए हैं और इधर कुछ ना कुछ तो पता नहीं कौन सा स्टोर है ये यार, डेली बाज़ार करके स्टोर है जो घर के सामान मिलते हैं, यहाँ से मम्मी ले रही है थोड़े थोड़े सामान। मम्मी ठीक है यार, ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कुछ बोला नहीं कि भाई साहब कुछ सीरियस है नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं तो टेंशन आ गया था बहुत यार ऐसे, क्योंकि घर पे यार अगर मम्मी अगर आपकी बीमार पड़ती है ना तो माहौल ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा। घर पे आपकी मम्मी बीमार पड़ती है ना तो घर का माहौल एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर ऐसा आपका भाई या बहन कोई बीमार पड़ता है तो मम्मी रहती है आपको ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आपकी मम्मी बीमार पड़ जाती है तो उनको ठीक करने के लिए हम जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ यार माहौल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना अगर आपकी मम्मी थोड़ी बीमार पड़ जाती है तो। ठीक है यार अभी यार सीरियस नहीं है, बस इतना है कि मैं रिलैक्स हो गया, टेंशन नहीं है। पीस फिर से रुक गई कांधा लेने के लिए यार, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ सामान लेने में टाइम लग रहा है। मम्मी चले गाइस, आज का मौसम विभाग ये कि आज बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और ऐसी धूप आंखों पे आ रही है, तीखी धूप, मतलब ये ठंडियों वाली धूप नहीं जिसमें मज़ा आता है, इसमें बहुत गर्मी लग रही है। सर पे रुमाल रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। और हमने इतने सारे कांधे लिए हुए हैं भाई साहब, बस अभी कांधे की सब्जी बनेगी, कांधे के पराठे बनेंगे, बस कांधा खाएंगे अभी हम लोग। ओ यार मम्मी फिर से अभी मार्केट में, मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें मार्केट में लगने वाला है। मम्मी प्लीज़ घर चलें। गाइस मम्मी को हॉस्पिटल से भी लेके आ गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मार्केट में भी रुके थे और अब बज रहे हैं शाम के 4:39 और अभी मैंने थोड़ा सा लंच कर लिया है,
दीदी हमारे घर पे आई है और मम्मी वहाँ पर बैठी हुई हैं, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है और बाहर मेरी सिस्टर का क्लाइंट आया हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर पैसेज में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे लाइट्स वाइट्स एक्चुअली गाइस बहुत अच्छी आती है, एक्चुअली देखा जाए तो बढ़िया लाइट्स आती है। और अब मौसम बहुत अच्छा हो रखा है भाई साहब, अब ठंडी हवाएँ चल रही है, हल्का हल्का मौसम यहाँ पर काइंड ऑफ हिल स्टेशन वाला लगता है शाम के टाइम पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये दिसंबर और नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग और दिसंबर का पूरा महीना बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज दिसंबर के महीने में सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि यार ठंडियाँ रहती है और इसमें शादियाँ बहुत होती रहती है, तो मैं बहुत सारी शादियों में घुस भी चुका हूँ, किसी को बताना मत, अलग अलग स्टोरी है यार। एक बार तो मैं शॉर्ट्स पहन के चला गया था शादी में, मैंने बोला था मैं कैमरा मैन हूँ, ठीक है उसकी स्टोरी कभी फिर कभी आपको बताऊँगा मैं। गाइस शाम का नाश्ता करने के लिए आए हैं आज हम लोग आकाश सैंडविच कॉर्नर के पास। हम लोग नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा घर से। मैं खाऊंगा, अटेंडेंस तो दे। रोल नंबर 27 रिप्रेजेंटिंग मस्ती मजाक क्लब, सर में दर्द है वीडियो बंद कर। गाइस इसका अटेंडेंस अब बहुत थका हुआ हो चुका है, पहले नहीं तो बोलता था हाय माय नेम इज सूरज लखवानी रोल नंबर 27 रिप्रेजेंटिंग मस्ती मजाक क्लब, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इसका मूड खराब है, क्या वो कोई धोखा दे के चला गया इस वजह से मूड खराब है। एग्जाम खत्म हो गए ना, टेंशन आ रहा है, क्रिएटिविटी नहीं लग रही। एग्जाम खत्म, मेरे को लगा ये बोलेगा एग्जाम खत्म हो गए तो लाइफ में और कोई प्रेशर बचा ही नहीं है, इस वजह से मेरे को लगा वो तेरे को प्रेशर में मजा आता रहेगा ना। क्या प्रोसेसर इसका हैंग हो चुका है गाइस, समझा ही नहीं क्या बोला। ये छोड़ दो इसकी बातें छोड़ दो, तो अब बज रहे हैं एग्जैक्ट 6:26 और जहाँ पर चाय पीने आए थे वो चाय की दुकान ही बंद है यार, ये गलत है यार। ये हमारा फेवरेट शॉप है, यहाँ पर हम लोग आके नाश्ता खाते हैं। आकाश एक बार आया कर देना, अरे सच में ब्लॉग में आएगा तू, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी सब्सक्राइबर है, और वो किधर गया बाला, अच्छा बाला घूमो गया, बाला भी आ रहा है वो भी सब्सक्राइबर है, और ये लोग वीडियोस देखते हैं वही बड़ी बात है हमारे लिए। गाइस ये बताओ ये डिवाइन की जैसे नहीं दिखता है, सच बताओ ये डिवाइन की जैसे नहीं दिखता है। हाँ आकाश साइड में से डिवाइन की जैसे दिखता है। A lot of boring math later. Guys, यार अब रात के 10:08 हो रहे हैं गाइज, मैंने अभी जस्ट एक व्लॉग एडिट करके ख़त्म किया है, कल वाला व्लॉग यार आज एडिट करके ख़त्म किया, सॉरी आप लोगों को, शायद बीच में मैंने हाँ दो दिन व्लॉग नहीं डाला था, तो अभी बस वही उसका एडिट करके डाला है और अभी जस्ट ख़त्म किया है एडिट, तो अभी ये वाला भी ब्लॉग ख़त्म करके कल एडिट करूँगा। यार एकदम ऐसे एडिटिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एडिटिंग करने में। आप व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद है ना, ऐसे कोई भी वीडियो का एडिट करने के बाद, ख़त्म करने के बाद है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है यार, बिकॉज है ये भी चीज़, और एक यही प्रोसेस है जो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि एडिटिंग, बिकॉज एट अ स्ट्रेच बैठना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और व्लॉग की एडिटिंग में ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है, खास एडिटिंग कुछ VFX या कुछ होता नहीं है व्लॉग की एडिटिंग में, कट क्रॉप ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैं बताता हूँ एडिटिंग में इसलिए लगता है, जो आपको 10 या 12 मिनट या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का जो कंटेंट दिखता है ना, वो मेरा पूरा दिन रहता है, मतलब जो मैं पूरा दिन व्लॉग करता हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज 24 आवर में से जब मैं उठता हूँ, मैं जब व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, उसमें से मेरा दिन का मतलब रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 5 to 6 hours होता है, मतलब आप समझ रहे हो मेरा पूरा दिन रिकॉर्ड होता है, उसके बाद मेरे को रात को बैठ के मेरे को मेरा पूरा दिन फिर से देखना पड़ता है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट एडिट हो जाता है, कुछ कुछ पार्ट कट जाता है, तो लास्ट का जो फाइनल पार्ट रहता है तो वो ऐसे आपको मिलता है, तो वो फिर से रिपीट देखने में मेरे को मेरा पूरा दिन फिर से मैं दूसरी बार देखता हूँ, 6 घंटा 7 घंटा रिकॉर्डिंग चालू ही रहती है, जो भी अच्छा लगे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यार व्लॉग में मैंने आपको पहले भी कहा था इंस्टेंटेनियस रहता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, सो जो भी चीज़ रहती है सब नेचुरल रहती है, ऐसी चीज़ है। तो अब ये वाला व्लॉग ख़त्म कभी होगा और एडिट कभी होगा और अपलोड कभी होगा, आई डोंट नो यार, एंड आई होप आप लोगों को यार ऐसे व्लॉग्स अच्छे लगते रहेंगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग ऐसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, तो ये वाले व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म रात के 10:15, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, पीस विद पॉपी।